हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 5। इससे पहले हम इस पे 4 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, 1905 रेवोल्यूशन की क्या क्या रीजंस थे, वर्कर्स की क्या क्या डिमांड्स थी, फिर उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी और फादर गैपिन की लीडरशिप में जब सब वर्कर्स पैलेस गए, विंटर पैलेस गए, तो वहां पे पुलिस ने और कॉजेक्स ने उनपे अटैक कर दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए। इसी इवेंट को ब्लडी संडे की इवेंट कहा जाता है क्योंकि उस दिन संडे था। 1905 रिवॉल्यूशन के बाद जो रूलर था जार निकोलस सेकेंड, उसने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने यानी कि ड्यूमा बनाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन फर्स्ट बार और सेकेंड बार वो ड्यूमा डिसमिस करने के बाद थर्ड बार जब वो ड्यूमा बनाई गई तो उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को शामिल किया गया, यानी कि जो रूलर के खास लोग थे या यूं कहें कंजर्वेटिव लोग थे जो रूलर को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को शामिल करके वो ड्यूमा बनाई गई थी। तो 1905 के बाद 1914 तक तो चीजें इस तरीके से ही चलती रही और इस तरीके के इवेंट छोटी मोटी होती रही, लेकिन फिर आया 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज हम देखेंगे पॉइंट 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशियन एम्पायर से किस तरीके से कनेक्टेड था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1914 में जो वॉर था वो स्टार्ट हो गया था टू यूरोपियन एलियंसेस के बीच में। अब सबसे पहले बात यह कि वॉर किस किस के बीच में हुआ था, हमें वो ध्यान रखना है। तो एक तो था सेंट्रल पावर, अभी सेंट्रल पावर में कौन कौन शामिल था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये मिला के सेंट्रल पावर था, और दूसरी तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये एलाइड पावर था जिसको हम बाद में इटली और रोमानिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दो पावर्स के बीच में यहाँ पे जो वॉर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो 1914 में स्टार्ट हुआ। तो एक तरफ तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जिसे मिला के सेंट्रल पावर था, और एक तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जिसको हम एलाइड पावर कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों कंट्री से मिलकर बना था। अब ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री का एक ग्लोबल एम्पायर था, यानी कंट्री सिर्फ अपनी लिमिट तक ही लिमिटेड नहीं थी, हर कंट्री का कहीं दूसरी तरफ भी कॉलोनाइज था और दूसरे पे भी इफेक्ट था। तो वॉर वॉज फोट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, वॉर जितना यूरोप के अंदर लड़ा जा रहा था उतना ही यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इस जो वॉर था उससे सिर्फ यूरोप ही इफेक्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ यूरोप पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, सब लोग पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट था, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये जो 1914 में स्टार्ट हुआ, और क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर था सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते ये वॉर, हमने देखा इतनी सारी कंट्रीज तो इसमें इंक्लूडेड ही थी और जो इंक्लूड नहीं थी वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी, जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन की इंडिया में भी कॉलोनाइज थी, तो जो ब्रिटेन का इंडिया में कब्जा था तो इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया से ही सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए ले जाया जा रहा था, जबरदस्ती उनको वहां पे यूज किया जा रहा था, इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो क्योंकि हर कंट्री कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से रिलेटेड थी तो इस वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है, ग्लोबलाइज विलेज की तरह जो पूरी दुनिया हो जाती है तो सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। और ये बताया गया कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही नहीं, ये यूरोप के बाहर भी हो रहा था, यानी पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही थी, पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड हो रही थी। अब हम बात करते हैं रशिया की, कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से किस तरीके से कनेक्टेड था या क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहे थे। रशिया में ये जो वॉर था स्टार्टिंग में बहुत ही पॉपुलर था और लोग जार निकोलस सेकंड को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, तो वॉर को सपोर्ट करना एक तरीके से वहां के रूलर को, जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट करना ही हुआ, क्योंकि रूलर ही लड़ेगा वॉर, अगर कोई कंट्री उसमें शामिल होती है तो वहां का रूलर ही उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। तो वॉर वार इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड, लोग जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो वॉर को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि हाँ वॉर लड़ाई जाए और हम उसमें जीते। लेकिन जब वॉर कंटिन्यू हुआ, धीरे धीरे जब ये वॉर कंटिन्यू होता गया और आगे बढ़ता गया, तो जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, जो ड्यूमा की मेन पार्टीज थी, हमने देखा थर्ड ड्यूमा में उसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को शामिल किया था जो कि उसके सपोर्टिव थे, लेकिन फिर भी जार ने
उस ड्यूमा के मेंबर्स से जो मेन पार्टीज थी उससे कंसल्ट करने से मना कर दिया। यानी यहाँ पे जार किसी से सलाह नहीं ले रहा है, एडवाइस नहीं ले रहा है और किसी से भी कोई मैटर कंसल्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने हिसाब से ही चला रहा है। तो यहाँ फिर लोगों का सपोर्ट कम होता गया। सपोर्ट वर्ड थिन का मीनिंग है कि धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट कम होता गया, क्योंकि इसका क्या रीजन रहा कि जो रूलर था जार निकोलस सेकेंड, वो जो ड्यूमा की मेन पार्टीज थी उससे कंसल्ट नहीं कर रहा था और लोगों से उसे एडवाइस नहीं ले रहा था। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा थे, यानी स्टार्टिंग में जब वॉर पॉपुलर था तो जर्मन के खिलाफ, एंटी जर्मन मतलब जर्मन के जो अगेंस्ट में सेंटीमेंट्स थे, लोगों के इमोशंस थे वो बहुत हाई थे। यानी लोग बिल्कुल एक तरीके से दुश्मन समझ रहे थे जर्मन को, और उनके जो इमोशन सेंटीमेंट्स थे वो जाग गए थे। और इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो चेंज कर दिया गया वो रखा पेट्रोग्रेड। और ये क्यों रखा गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, तो एक जर्मन नेम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि जर्मन के अगेंस्ट में थे लोग, तो यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रखा गया। दूसरा, जो जेरिना अलेक्जेंड्रा थी, यानी कि जो जार की वाइफ थी, जो क्वीन थी, जो रानी थी राजा की, वो थी जेरिना अलेक्जेंड्रा। वो कहाँ की थी, जर्मन ओरिजिन, यानी वो जर्मन की बिलोंग करती, जर्मन को बिलोंग करती थी। बाद में उसकी मैरिज हो गई जार निकोलस सेकंड से और वो रशिया में आ गई, तो वो जर्मन की थी। और पुअर एडवाइजर, उनके जो एडवाइजर्स थे वो भी पुअर थे, मतलब कि वो भी कोई अच्छे एडवाइस नहीं दे रहे थे, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। स्पेशली उसमें एक नाम शामिल होता है रेस्पुटिन। रेस्पुटिन जो कि पैलेस का एक एडवाइजर था, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो जार और जेरिना अलेक्जेंड्रा थी, उनका जो सन था वो एक बार बहुत बीमार हो गया था, तो लोगों ने फिर बताया कि एक मॉन्क है जो कि इसका इलाज करता है, तो रेस्पुटिन, तो उनको लगता था कि ये कोई मैथिक से या कोई मैजिक से उसका ट्रीटमेंट कर देगा, और फिर रेस्पुटिन ने उसको ठीक भी कर दिया था। तो जेरिना और जार के बहुत क्लोज हो गया था रेस्पुटिन, यहाँ तक कि उस टाइम पे रशिया में इस तरीके के कार्टून्स भी चले जिसमें रेस्पुटिन ने जार और जेरिना को, यानी राजा और रानी को अपने पूरा कंट्रोल में कर रखा है, अपनी गोद में ले रखा है, और राजा रानी पूरे इसके कंट्रोल में है। तो लोग सोचते थे कि जो रेस्पुटिन है, मॉन्क जो एडवाइजर है पैलेस का, वो राजा रानी के बहुत करीब है, और उसने कुछ ऐसा मैजिक कर रखा है, लोगों पे मैथिकल इफेक्ट्स कर रखे हैं कि राजा रानी इसी की बात सुनते हैं। तो जो रेस्पुटिन था उसका भी रोल माना जा सकता है, जिसने एरिस्टोक्रेसी को अनपॉपुलर किया, क्योंकि जो जैर था वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, तो वो लोग ऑटोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, एक तो जार ने ड्यूमा के जो मेन पार्टीज थे उससे कंसल्ट नहीं किया वॉर के बारे में, डिसीजन लेने में या किसी भी बारे में, और जो जेरिना अलेक्जेंडर थी वो भी जर्मन को बिलोंग करती थी, और जो पैलेस में एडवाइजर था रेस्पुटिन, वो भी एक अच्छा एडवाइजर नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उसने किंग और क्वीन को अपने कब्जे में, अपनी कंट्रोल में कर रखा है, कुछ जादू कर रखा है या अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ कर रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग बहुत ही अगेंस्ट हो गए थे, लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, और ऑटोक्रेसी को भी यहाँ पे अनपॉपुलर बनाने में इन सब का रोल रहा। अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो चल रहा था वहां पे उस टाइम पे, वो दो फ्रंट में चल रहा था। तो इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो दो फ्रंट में चल रहा था वर्ल्ड वॉर, वो था ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दो फ्रंट थे वर्ल्ड वॉर के। अभी ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो वेस्ट में यानी कि वेस्टर्न साइड से जो आर्मीज लड़ रही थी वो ट्रेंचेस बना के लड़ रही थी। ट्रेंचेस क्या होते हैं कि गड्ढे किए जाते हैं और उसमें छुप के फिर आर्मी अटैक करती है। तो जो ट्रेंचेस थी उसमें छुप के आर्मीज अटैक कर रही थी वेस्ट साइड में, जबकि ईस्टर्न फ्रांस में तो जो आर्मी थी वो बिना ट्रेंचेस के लड़ाई कर रही थी। तो जब बिना ट्रेंचेस की लड़ाई होगी तो बहुत ज्यादा जाने जाएंगी, तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। कैजुअलिटीज मतलब बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही थी। तो यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न में आप डिफरेंस समझ गए कि वेस्ट में जो आर्मीज थी वो ट्रेंचेस बना के वहां से लड़ाई कर रही थी, और ये ट्रेंचेस कहाँ थे, ईस्टर्न फ्रांस तक फैले हुए थे, और जो ईस्टर्न आर्मी थी वो सीधे ही फाइटिंग कर रही थी बैटल को, और वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, बहुत ज्यादा जाने जा रही थी। जो इस वजह से जो डिफीट हो रही थी, यानी रशिया एक तरीके से हार रहा था,
या रशिया को जो डिफीट का सामना करना पड़ा था उसकी वजह से वो शॉकिंग थे, यानी लोग घबरा भी गए थे, उनको शॉक भी लग रहा था और वो डीमोरलाइज थे। डीमोरलाइज इसलिए थे कि एक तो उनका जो रूलर था ज़ार वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये भी इनकी भी हालत अच्छी नहीं थी, ये हारते जा रहे थे। तो रशिया की हार की वजह से जो डिफीट हो रही थी उसकी वजह से लोग शॉकिंग थे, डिमोरलाइज थे। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, कहां से? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, यानी इन दोनों कंट्री से ये बुरी तरह से हार रही थी। 1914 से लेकर 1916 तक इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये वॉर चला था 1918 तक, लेकिन 1917 तक ही आते आते रशिया ने अपने हाथ ऊंचे कर लिए, मतलब रशिया ने विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि 1914 और 1916 में जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ये हार रहा था तो बहुत ज्यादा इनको नुकसान भी हो रहा था। और आप देखिए 7 मिलियन कैजुअलिटीज 1917 तक, कितनी कैजुअलिटीज हो गई? 7 मिलियन, यानी 70 लाख लोग मारे जा रहे थे। तो जब इतने लोग मर गए, इतनी जाने चली गई, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे। जो रशियन आर्मी थी अब वो क्या कर रही थी? रिट्रीट करने के लिए, मतलब उसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या सोचा रशियन आर्मी ने, ये अपनी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को बर्बाद करने लग गए। अपनी क्रॉप्स और अपनी ही बिल्डिंग्स को ये डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको लग रहा था कि जो जर्मनी या ऑस्ट्रिया की जो आर्मीज हमारे अंदर आ रही है और इधर कंट्रोल कर रही है, उसको यहाँ पे रहने के लिए, उसको कुछ खाने के लिए मिले ही नहीं। यानी जो दुश्मन आ रहे हैं वो दुश्मन हमारी लैंड पे आएंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए कुछ मिले ही नहीं। इसलिए पहले ही उन्होंने सोचा कि अपने जो लैंड की क्रॉप्स है और बिल्डिंग्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन इससे नुकसान रशिया को ही हो रहा था क्योंकि उनकी खुद की क्रॉप्स और बिल्डिंग्स बर्बाद हो रही थी। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का, उसकी वजह से क्या नतीजा निकला कि 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में आ गए। यानी कि 3 मिलियन लोग रशिया में ऐसे हो गए जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, शेल्टर नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स ही बर्बाद कर दी इस डर से कि दुश्मन आ जाएंगे तो वो यूज करेंगे, तो पहले ही उसको बर्बाद कर दें। तो इस तरीके से जो सिचुएशन थी उसकी सबकी जिम्मेदारी किस पे आ गई? गवर्नमेंट और ज़ार पे। क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर कोई सिचुएशन चलती है तो उसका जिम्मेदार उसके रूलर को ही माना जाता है, वहां के राजा को ही माना जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट चल रही है उसी पे माना जाता है। तो ये जो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई उसका सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट और ज़ार की थी। लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। सोल्जर्स डिडंट विश टू फाइट सच ए वॉर, और जितने भी सोल्जर्स थे वो इस तरीके की फाइट नहीं लड़ना चाहते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सारे सोल्जर्स बैठे हैं और ये फाइटिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो ज़ार था वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा रशिया पे, रशिया की इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो जो वॉर था उसका इंडस्ट्री पे बहुत सीवियर इम्पेक्ट पड़ा, बहुत ही गहरा इम्पेक्ट पड़ा। रशिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो तो बहुत ही कम थी वैसे भी, लेकिन जो भी सप्लाई होती थी बाहर से वो सब कट ऑफ हो गई। और वो कट ऑफ किसने की? जर्मन ने। और जर्मन ने कौन सा रास्ते को कंट्रोल कर लिया? बाल्टिक सी। यानी बाल्टिक सी एक सी का एक रूट था, यानी एक समुद्र का एक रास्ता था जहां से सप्लाईज होती थी इंडस्ट्रियल की सामान की, इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई होती थी रशिया में। तो जो बाल्टिक सी का जो रूट था उस पर कंट्रोल किसने कर लिया? जर्मन ने। जर्मन ने अपनी शिप्स उतार दी और रशिया में जितना भी माल जाता था, फूड ग्रेन्स जाते थे या इंडस्ट्रियल का सामान का जाता था, सब कुछ उन्होंने वहां पे कट ऑफ कर दिया, ब्लॉकेट कर दिया, एक तरीके से उसको रोक दिया गया। तो अब जब सामान ही नहीं आएगा, रो मटेरियल ही नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्रियल डेवलप कैसे हो सकती है? तो इस वजह से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एनीवेयर एल्स वेयर इन यूरोप। यूरोप की और जगह पे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हुआ वो सबसे ज्यादा रशिया में हुआ, दूसरे पार्ट्स की कंपेरिजन में सबसे ज्यादा रशिया में इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हुआ। और इसका रीजन आप समझ गए कि जो भी सप्लाई हो रही थी वो बाल्टिक सी के थ्रू जो हो रही थी वो जर्मन ने कंट्रोल कर ली थी और वहां सप्लाई बंद कर दी गई। अब जब सप्लाई बंद कर दी गई तो बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, और जितने भी रेलवे लाइंस थी वो एक तरीके से खत्म होने लग गई, टूटने लग गई, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए। और जो एबल बॉडीड मैन थे, एबल बॉडीड मैन का क्या मीनिंग हुआ? वो आदमी, वो लोग जो कैपेबल थे। तो यहाँ पे वॉर में किसकी जरूरत होती है? ऐसे सोल्जर्स की जो कि स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, सक्षम हो,
तो जो भी लोग ऐसे कैपेबल लोग थे, सक्षम लोग थे, जो वॉर लड़ने लायक लोग थे, उनको तो भेज दिया गया वॉर लड़ने के लिए। तो अब जब वॉर लड़ने चले गए सारे लोग, तो अब लेबर की शॉर्टेज हो गई। अब लेबर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वॉर लड़ने चले गए जो एबल थे। तो लेबर की शॉर्टेज हो गई, और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी जो कि बहुत जरूरी सामान का प्रोडक्शन कर रही थी, वो सब शट डाउन हो गए। जो जरूरी आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहे थे वर्कशॉप, वो बंद हो गए, लेबर की शॉर्टेज हो गई, और फूड ग्रेन्स वगैरह की भी सप्लाई कम हो गई। क्योंकि जो जितना भी ग्रेन्स था वो कहाँ सप्लाई हो रहा था, आर्मी को फीड करने के लिए। क्योंकि आर्मी लड़ेगी तो उनको तो खाना वगैरह सब चाहिए, वहां पे ग्रेन चाहिए, जितने भी लोग वहां पे लड़ रहे हैं सोल्जर्स, उनको ग्रेन चाहिए, फूड चाहिए। तो यहाँ पे फूड की सप्लाई भी आर्मी को होने लग गई, तो लोकल लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स। अब लोग जो सिटी में रहते थे उनके लिए जो ब्रेड और फ्लोर था, मतलब जो भी रोटी आटा, जो भी उनकी बेसिक इसेंशियल चीजें थी खाने पीने की, ग्रेन्स वगैरह, वो सब कम हो गए, उनकी स्कार्सिटी हो गई। और विंटर ऑफ 1960 में तो रायट्स होने लग गए, उसके लिए लड़ाई झगड़े और दंगे होने लग गए ब्रेड शॉप पे, यानी खाने पीने के आइटम्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई तो आर्मी को जा रही थी। तो ये सारे इम्पेक्ट किसके पड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। इसलिए ये जो वर्ल्ड वॉर था इसने पूरे वर्ल्ड को तो इफेक्ट किया ही, रशिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और इसी की वजह से आगे होगा फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।